कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 17 आई अध्याय 13 सीमा। प्रश्न क्रमांक 10वां, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट x प्लस 2 बाय एक्स प्लस 1 होल पावर x प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसके मान को ज्ञात करने के लिए हम इसको लिख रहे हैं कुछ इस प्रकार से, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट दी गई वैल्यू है x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 बटे में होल पावर x प्लस 3। अब इसको हम 1 प्लस या 1 माइनस के रूप में लिखने के लिए कुछ इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, यदि हम इसको 1 प्लस 1 बाय x प्लस 1 लिखे तो इसका ओवरऑल हल जो अंश का आएगा वो x प्लस 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 में 1 जुड़ जाएगा तो x प्लस 2। इस रूप में हमने इसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब ऐसी कंडीशन में बड़ी आसानी से हम यदि फार्मूले को देखें तो हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है, कैसा कि लिमिट एक्सटेंड टू a हो और ब्रैकेट में क्या हो 1 प्लस एफ वन एक्स और इसकी पावर क्या हो एफ टू एक्स हो, तो नेक्स्ट स्टेप में ये चेंज हो जाता ई रेस टू लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ वन एक्स इन टू एफ टू एक्स में। बिल्कुल इस फार्मूले का उपयोग करते हुए हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, क्या ई रेस टू लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट 1 बाय एक्स प्लस 3 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 और इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा तो वैल्यू होगी ई रेस टू लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट एक्स प्लस 3 बाय एक्स प्लस 1। अब हम x से डिवाइड कर दे अंश को भी और हर को भी तो ये हो जाएगा e रेस टू लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, ये क्या होगा 1 प्लस 3 बाय एक्स 1 प्लस 1 बाय एक्स। अब इसमें हम किसकी जगह पर इनफाइनाइट, इसमें हम x की जगह पर क्या रख देंगे इनफाइनाइट रखने पर। अब हम में से सब जानते हैं कि जब 1 बाय एक्स हो और उसकी वैल्यू हम इनफाइनाइट रखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो नेक्स्ट स्टेप में इसमें जो होगा e 1 प्लस 3 बाय इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाय इनफाइनाइट, तो इसकी जो वैल्यू होगी e रेस टू 1 प्लस 0 बाय 1 प्लस 0, इसका मतलब e रेस टू 1 बाय 1 मतलब e। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल।